नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंत्र जप क्या होता है? क्या आपको पता है कि आखिर क्यों हमें मंत्र जप करना ही चाहिए? इसके क्या फायदे हैं? ये कैसे हमारी जिंदगी संवार सकता है? नहीं जानते हैं ना? तो आज अगर आप इस वीडियो के अंत तक टिके रहे तो आप मंत्र जप की शक्तियों को समझ जाएंगे, और अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया तब तो आपकी जिंदगी बहुत शानदार बन जाएगी। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और त्र, जिसका अर्थ होता है मनन को मुक्त करना, यानी मन को स्वतंत्र करना। मंत्र पवित्र ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जिनका उच्चारण करने से एक खास तरह की ऊर्जा यानी एनर्जी पैदा होती है, और हैरानी वाली बात ये है कि इस ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे विचारों और भावनाओं तक को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर मंत्र का एक बीज मंत्र होता है जो मूल मंत्र है? माना जाता है कि इस बीज मंत्र में वो सारी शक्ति होती है जिसे जप के माध्यम से जगाया जाता है। जप करने का मतलब है कि एक ही मंत्र को बार बार दोहराना। आसान भाषा में कहें तो मंत्र जप एक ध्यान की तरह ही है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम बार बार उसी ध्वनि को दोहराते हैं। ये दोहराव हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें वर्तमान समय में लाने में मदद करता है। हमने ये तो जान लिया कि मंत्र जप होता क्या है, लेकिन क्या आपको इसके फायदे पता है? तो चलिए अब जानते हैं कि मंत्र जप करने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसे तनाव नहीं होता है, ये होना तो अब एक आम बात हो गई है। लेकिन अगर हम मंत्र जप करते हैं तो हम इस भाग दौड़ की थकान और अशांति को दूर कर सकते हैं। मंत्र जप हमारे तांत्रिक तंत्र को शांत करने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है और मन शांत होता है। उदाहरण के तौर पर ओम शांति मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है। इस मंत्र को जपते समय आप गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिससे शरीर में तनाव कम होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं बोलूं कि मंत्र जप से हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है? आपको बता दें कि मंत्र जप करने से हमारा दिमाग शांत होता है तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मंत्र जप हमारे दिमाग को भटकने से रोकता है और किसी भी काम को करने के लिए हमारा ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से पढ़ाई या काम करते समय एकाग्रता बढ़ती है। इस मंत्र का जप करने से हमारी चेतना आंतरिक शक्ति से जुड़ती है, जिससे मन को भटकने से रोका जा सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो मंत्र इसमें भी आपकी मदद कर सकता है। सोने से पहले शांत वातावरण में बैठकर मंत्र जप करने से मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है। उदाहरण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना नींद के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस मंत्र का जप करने से मन को शांति मिलती है और नींद आसानी से आ जाती है। मंत्र जप का नियमित अभ्यास आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। ये हमें भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आत्मिक जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर ओम सत्यम शिवम सुंदरम मंत्र का जप करने से हमें जीवन की सच्चाइयों का बोध होता है और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। ये मंत्र हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। मंत्र जप हमें आत्मविश्वास बढ़ाने और आंतरिक शक्ति जगाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए महामंत्र का जप करने से हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इस मंत्र का जप करने से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये तो बस कुछ फायदे हैं, मंत्र जप के कई अन्य फायदे भी हैं। नियमित अभ्यास से आप इन फायदों को महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने फायदों की बात तो कर ली, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि भला हम मंत्र का चुनाव कैसे कर सकते हैं?
यानी कौन सा मंत्र हमारे लिए सबसे अच्छा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये जानें कि आप मंत्र जप क्यों करना चाहते हैं। क्या आप तनाव कम करना चाहते हैं या फिर एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं? हर मंत्र का एक अलग प्रभाव होता है, इसलिए अपने इरादे के हिसाब से मंत्र चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं तो ओम शांति का जप कर सकते हैं। वहीं अगर आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि मंत्र जप के लिए तो दीक्षा की जरूरत होती है। तो आपको बता दें कि सिर्फ कुछ मंत्रों का जप करने के लिए ही दीक्षा लेनी जरूरी होती है, जबकि कुछ मंत्रों का जप आप खुद भी सीख सकते हैं। इसीलिए अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार ही मंत्र का चुनाव करें। जिस मंत्र को जप करते समय आपको अच्छा लगे, वही मंत्र आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसके लिए आप अपने अंतर्मन की आवाज को भी सुन सकते हैं। अपने अंतर्मन की आवाज सुनें और वही मंत्र चुनें जिससे आपको शांति और सकारात्मकता मिलती हो। तो दोस्तों, फायदे जान लिए, कौन सा मंत्र जप करना है इसका चुनाव भी कर लिया, लेकिन एक सवाल और है, मंत्र जप की सही विधि तो पता ही नहीं है। अब कैसे मंत्र जप होगा? परेशान मत होइए दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि मंत्र जप करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले किसी शांत और स्वच्छ वातावरण का चुनाव करें, जहां आपको कोई परेशानी ना हो और आप आराम से बैठकर मंत्र जप कर सकें। जमीन पर आसन बिछाकर या कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ देर के लिए गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे आपका मन शांत होगा और मंत्र जप करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब अपने चुने हुए मंत्र का स्पष्ट और धीमी आवाज में उच्चारण करें। हर शब्द को सही से बोलने की कोशिश करें। आप चाहें तो माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। माला के मोतियों को जपते समय गिनने में आसानी होती है। शुरुआत में कम समय के लिए मंत्र जप करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। याद रखें, नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अब ऐसा हो सकता है कि मंत्र जप करते समय आपका ध्यान भटक जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को वापस मंत्र पर लाएं और जप करते रहें। मंत्र जप करते समय होने वाली अनुभूति पर ध्यान दें। शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस करें। शांति, आराम और सकारात्मकता का अनुभव करें। मंत्र जप पूरा करने के बाद कुछ देर के लिए शांत बैठे रहें। अपनी आंखें बंद रखें और अनुभूति का आनंद लें। तो दोस्तों, अभी तक आपने सीखा कि मंत्र जप कैसे फायदेमंद है और अपना मंत्र कैसे चुनना है। अब सवाल उठता है कि जप की अवधि कैसी हो और दिन में कितनी बार जप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से आपकी परिस्थिति और समय पर निर्भर करता है। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट के लिए जप कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास के साथ समय बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो सुबह उठकर और रात को सोने से पहले जप कर सकते हैं। दिन में किसी भी शांत समय में भी जप किया जा सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप मंत्र जप के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग हैं जो हर चीज में अपना नियम जबरदस्ती घुसाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जप करते समय माला का प्रयोग करना जरूरी होता है। अब आप ही बताइए, क्या मन की शांति के लिए अब एक माला पर निर्भर रहना पड़ेगा? अगर माला नहीं तो क्या हम शांति के पात्र नहीं हैं? बिल्कुल है दोस्तों, माला जप को गिनने में आसानी जरूर देती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मंत्र जप के साथ आप ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। मंत्र जप करते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपका मन और भी शांत होगा और एक चीज पे काम करके आपको दो चीजों का लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, हमने बात की कि मंत्र जाप के फायदे क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका चुनाव कैसे करें। लेकिन दोस्तों, क्या मंत्र जप को नियमित रख पाना इतना आसान है? वैसे फायदे तो तभी मिलेंगे, लेकिन नियमित रूप से पालन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो क्यों ना दोस्तों,
इसे थोड़ा रोचक बनाया जाए, लेकिन कैसे? एक तरीका है दोस्तों, आप जप के साथ संगीत का प्रयोग कर सकते हैं। कई खूबसूरत मंत्र संगीत उपलब्ध हैं, जिन्हें सुनते हुए आप जप कर सकते हैं। संगीत आपके मन को शांत करेगा और जप को और भी सुखद बना देगा। क्या आपने कभी सोचा था कि मंत्र जप में आप संगीत का स्वाद भी डाल सकते हैं? वैसे दोस्तों, दूसरा तरीका और रोचक है। दूसरा तरीका है जप को समूह में करना। जैसे मंदिरों में अक्सर सामूहिक जप किया जाता है, आप चाहे तो अपने आसपास के लोगों को ढूंढकर मिलकर जप कर सकते हैं। सामूहिक जप में एक अलग ही ऊर्जा होती है जो आपको सकारात्मकता से भर देगी। इसके अलावा तीसरा तरीका है जप के साथ विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना। जप करते समय अपनी आंखें बंद कर लें और मंत्र के अर्थ पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते समय भगवान विष्णु की छवि का मन में ध्यान करें। विजुअलाइजेशन से आपका मंत्र जप और भी गहरा हो जाएगा। चौथा तरीका है जप के साथ प्रकृति से जुड़ना। किसी शांत पहाड़ी पर बैठकर या समुद्र किनारे खड़े होकर जप करना प्रकृति के ऊर्जा से आपको जोड़ देगा और जप का अनुभव और भी दिव्य बना देगा। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने मंत्र जप को रोचक बना सकते हैं। याद रखें, जप एक व्यक्तिगत अभ्यास है। इन तरीकों को आजमाएं और देखें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे कारगर है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे जो मंत्र जप के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले, जप को कोई दौड़ नहीं समझना चाहिए। एक शांत और आरामदायक वातावरण चुनें जहां आप बिना किसी विघ्न के जप कर सकें। उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो। अगर आपको सही उच्चारण में परेशानी हो रही है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले या फिर किसी अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग की सहायता लें। और हाँ दोस्तों, जब आप मंत्र के अर्थ को समझते हैं तो आपका उस मंत्र के साथ जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। इसलिए आप चाहें तो मंत्र का अनुवाद खोज सकते हैं या किसी गुरु से सीख सकते हैं। एक बात और दोस्तों, कि वैसे तो जप माला अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको इससे जप की गिनती याद रखने में आसानी होती है तो शुरुआत में आप इसे जरूर करें। और दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है, तो मंत्र जप कोई अपवाद तो है नहीं। शुरुआत में आप कम समय से जप करना शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं। ये स्वाभाविक है कि शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, इसलिए जप करते समय किसी भी तरह की अपेक्षाओं को अपने मन में ना रखें। सिर्फ जप पर ध्यान दें और बाकी सब कुछ छोड़ दें। और दोस्तों, जप को कभी भी दबाव की तरह महसूस ना करें। मंत्र के पवित्र ध्वनि और उसके द्वारा मिलने वाली शांति का आनंद लें। याद रखें, मंत्र जप एक व्यक्तिगत अनुभव है। हर किसी का अनुभव अलग हो सकता है। किसी से अपनी तुलना ना करें और अपने अंतर्मन की सुने। जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से जप करें। इस वीडियो में हमने आपको मंत्र जप की दुनिया से रूबरू कराया। उम्मीद है आपको आज की इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वेल, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।